हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 24 अगस्त और हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिएगा, अशोक लेलैंड में लास्ट ट्रेडिंग डे पर जो 4% से ज्यादा की तेजी देखने के लिए मिली है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है। तो चूंकि आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टॉक जो है वो की संभला है या नहीं, क्योंकि देखिएगा जो भी मूव हमको मिला है वो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ही है और इसने उसी तारीख को देखिएगा 52 वीक का एक नया लो भी बनाया। अब चूंकि देखिएगा अगर हम NSE की वेबसाइट पर प्रीवियस क्लोजिंग को देखते हैं जो कि 57.90 के लगभग थी, तो यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग होती है गैप डाउन ओपनिंग 57.25, यानी कि तकरीबन 65 पैसे की कमजोरी के साथ हम ओपन होते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद देखिएगा अगर हम देखते हैं हाई को, तो देखिएगा हाई जहाँ 60.70 के लगभग था ओपनिंग से, अगर बात करें तो 3.45 रुपए का एक हाई बनाया हमने, और लो की बात करते हैं 56.95, तो देखिएगा ओपनिंग से तकरीबन 30 पैसे की कमजोरी के साथ एक लो बना हमारा। वहीं अगर हमारी क्लोजिंग की बात करते हैं तो 60.25 जो कि शॉर्ट कवरिंग की बदौलत हमको ये तेजी देखने के लिए मिली है, तो 3 रुपए के लगभग ओपनिंग से ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दिखाई जहां पे 58,000 से ज्यादा की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है। वहीं देखिएगा जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 3,70,00,000 के लगभग और 87 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी हुई है, तो परसेंटेज वाइज डिलीवरी को बात करें तो 23.74% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज है। अगर हम जाके देखेगा फ्यूचर्स की क्लोजिंग को देखेंगे तो देखिएगा बेसिस जो है वो पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। वहीं देखेगा फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ा है और चेंज इन ऑपरेटर्स घटा है, तो जैसा मैंने आपको बताया ये मूव जो है शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही देखने के लिए मिला है। वहीं देखेगा अगर हम जाके इसको ऑप्शन चैन पर देखते हैं तो एट द मनी हम 60 और 62.50 के बीच में देखेगा यहाँ पर है। अब चूंकि देखेगा जो चीज देखने वाली है वो ये कि कॉल में जाकर अगर आप देखेंगे 60 की स्ट्राइक पर तो 3,78,000 की देखेगा कॉल राइटिंग मिलेगी। वहीं देखेगा 2,52,000 की पुट की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी आपको 60 की स्ट्राइक पर। तो चूंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो भी तेजी हमको देखने के लिए मिली है वो देखेगा बिल्कुल इसी वजह से मिली है क्योंकि देखेगा शॉर्ट्स कवर हुए हैं, इसमें किसी तरीके की अभी भी मजबूती की गुंजाइश या हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक जो है वो स्टेबल हो चुका है या उसने जो 52 वीक का लो बनाया है उसके बाद देखेगा और नीचे जाने की इसमें टेंडेंसी नहीं है। क्योंकि देखेगा अगर आप 57.50 पर देखेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख के लगभग पुट राइटिंग हुई है और देखेगा 57.50 की बात करते हैं तो 3,48,000 की कॉल की राइटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो देखेगा बेशक कॉल राइटर्स अभी भी हावी हैं, क्योंकि भले से अगर हम ऊपर भी आ गए हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग का ही हाथ है, क्योंकि अगर आप देखें 62.50 के लगभग 3,42,000 के लगभग यहाँ पर आपको देखेगा कॉल में अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि सीधे सीधे तौर पर अगर हम प्रीमियम को देखते हैं तो देखेगा हमको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट्स कवर हुए हैं और शॉर्ट कवर होने की वजह से ही देखेगा हमको थोड़ा बहुत पुल देखने के लिए मिला है। वहीं 62.50 के लेवल पर 1,44,000 के लगभग आपको पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो चीजें जो है वो इतनी साफ है कि कॉल राइटर्स का अभी भी दबदबा बना हुआ है, क्योंकि भले से ही हम 60 के ऊपर निकल जरूर आए हैं लेकिन ये तेजी ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। वही टेक्निकल चार्ट पर जाकर अगर हम देखते हैं तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की कैलकुलेशन जो कि 62.14 के लगभग देखने के लिए मिलेगी, तो मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर बनेगा। वही अगर हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की कैलकुलेशन की बात करें तो ये 66.26 के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये जो 62 के लगभग और 66 के लगभग यहाँ पर आप समझ लीजिए हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे अगर हम दोबारा से पहुंचते हैं तो यहीं पर देखिएगा दोबारा से शॉर्ट होने की गुंजाइश पूरी बनती है। वहीं RSI पर अगर हम देखते हैं वनडे के चार्ट पर तो स्ट्रेंथ बायर्स की जो है वो आपको 32.66 के लगभग देखने के लिए मिलेगी, जो कि बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन के तहत हम लोग देखने में आ रहे हैं। तो बायर्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबली समझिएगा, यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है और आप देख सकते हैं जो कैंडल वनडे पर बनी है वो इतनी कोई खास बड़ी नहीं है। हालांकि ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के मूव की वजह से ही आपको ये कैंडल थोड़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप ये समझिएगा कि जैसी मार्केट खुलेगा और 62 के लगभग देखिए
द्वार से शॉर्ट बिल्डअप होने शुरू होंगे और लगभग लगभग अगर हम 66 के लगभग जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम जाएंगे, तो इस लेवल पर जाने के बाद आपको बहुत हैवी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और बहुत ज्यादा शॉर्ट द्वार से बिल्डअप होते हुए नजर आएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा ये 52 वीक का जो लो बना है ये आखिरी लो होगा, क्योंकि अभी भी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑटो सेक्टर अभी भी देखिएगा सवाल ये निशान पर है, क्योंकि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर ही पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बार मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।